कोरोना के बाद आपका बिजनेस बढ़ाने के 7 टिप्स। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, मुंबई, पुणे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। अभी काफी तंगी आई, लोगों को धंधे बंद है, लोगों को चिंता है। अभी ये अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद में क्या होगा, बिजनेस कैसा करना, कितना मतलब मार्केट क्रैश हो जाएगा, तंगी कितनी आएंगी, कितना मंदवाड़ा आएगा, बिजनेस में कैसा कर पाऊंगा, तो ऐसे काफ़ी सारे सवाल लोगों को है। लगता है कि अभी 2-3 महीने के या 6 महीने हम पीछे चले जाएंगे ये साल, और सभी इसमें है। ऐसा नहीं कि एक जन कोई ऐसा एक के ऊपर आ गया है, सभी लोगों को यही चिंता है। तभी मैं ऐसे कुछ टिप्स बता रहा हूं कि वो टिप्स यदि आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली आप इससे बाहर निकल सकेंगे और आपका बिजनेस एक नई ऊंचाई पर चले जाएगा। नंबर एक, आपको नवनिर्माण का सोचना पड़ेगा, क्रिएटिविटी। देखो, अभी तक आपने जो भी किया, इतने साल से आप भी जिस तरह से आपका बिजनेस कर रहे, आपको सोचना पड़ेगा कि मैं नए तरीके से बिजनेस कैसा कर सकूं, क्या नया प्रोडक्ट मैं ला सकता हूं, क्या नए तरीके से बिजनेस कर सकता हूं, क्या लोगों को उनके घर में सेवा दे सकता हूं, ऑनलाइन क्या क्या मैं कर सकता हूं। ऐसा कुछ ना कुछ आपको नया सोचना पड़ेगा। आप यदि पुराने तरीके से बिजनेस करेंगे तो आप अच्छा बिजनेस नहीं कर पाओगे। अभी एकदम अलग सोसाइटी तैयार हो रही है, अलग लोगों का अभी देखने का नजरिया हो रहा है, और लोगों को अभी घर बैठे बैठे चाहिए जो भी है, और लोगों को मालूम हो गया कि घर बैठे बैठे सब मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। तो आपको नवनिर्माण करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, नया सोचना पड़ेगा कि मेरे बिजनेस में मैं क्या नया लाऊं। वैसा भी आपने इतिहास ये देखा होगा तो पिछले 25 साल में जो जो कंपनियों ने नया नहीं किया वो कंपनियों को बंद करना पड़ा, लॉकडाउन करना पड़ा, वो कंपनियां बर्बाद हो गई जिन्होंने नया नहीं किया पैसा भी। तो जो जो नया नया करते आ रहे कुछ ना उनके बिजनेस में, तो वही सर्वाइव हो गई, बाकी लोगों को तो बंद करना पड़ा, और उसके उदाहरण आपके सामने बहुत सारे हैं। दूसरा जो है वो है कि आपको भी गोल्स सेट करने पड़ेंगे कि मेरे फाइनेंशियल गोल्स क्या है, मेरे बिजनेस के गोल्स क्या है, मेरा टर्नओवर कितना होगा। और यदि गोल यदि आपके क्लियर है तो क्लियर गोल्स जब है तभी आप वहां तक पहुंच सकेंगे और उसके बारे में प्लानिंग बना सकेंगे, स्ट्रेटेजी बना सकेंगे कि मेरे गोल्स कौन से कौन से, वहां कैसा पहुंचना है, कितने कार्यकाल में वहां पहुंचने का है, कितने समय में मैं कितना अचीव करूंगा। और वो गोल यदि क्लियर है तो भी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो आप अंधेरे में जैसे जा रहे हैं तो ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा हम कहाँ हैं। तो गोल सेटअप करो, आगे आने वाले 3 साल के अपने गोल्स क्या क्या रहेंगे। फिर है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है कि बस चल रहा है, आप ही आप गिराई कर रहे हैं, आप ही आप धंधा हो रहा है। अभी आपको धंधा कॉस्ट करना पड़ेगा, धंधा बेचना पड़ेगा, मतलब आप जो माल बेच रहे हो बेचना पड़ेगा, आपको कॉस्ट करना पड़ेगा जो भी कर रहे हो, तो उसके लिए हार्डवर्क करना जरूरी है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ वन, ऐसा होना पड़ेगा कि आपके पास में सब तरह का माल है, जो जो मार्केट को चाहिए वो माल आपके पास में है, वो आप उपलब्ध करवा रहे, हार्डवर्क करवा रहे, और हार्डवर्क करके आपका जो सर्वाइवल है वो तो पूरा ही कर ही रहे और आगे और बढ़ रहे हैं। फिर 4 जो है वो आपको धीरज रखना पड़ेगा, धीरज यानी पेशेंस। क्या होता है कि लोगों को पेशेंस नहीं, ऐसा लगता है कि चलो 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। तो पेशेंस नहीं रखेंगे तो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे आप। पेशेंस रख के, क्योंकि जो बीज बोया हुआ है वो बीज को बाहर उगाने में टाइम लगेगा, बाहर आने में टाइम लगेगा, फल आने को टाइम लगेगा, तो आपको पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रख के उसको खाद देना, पानी देना, जो भी करना है उसको देना पड़ेगा, उसके लिए जो भी करना है करना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस अच्छा होगा। बहुत ही पेशेंस, साइलेंट, शांति से काम कर रहे। 5वां जो है वो है कि आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट, आपके पास में क्या उपलब्ध है, लोगों को मालूम होना चाहिए। यदि लोगों को मालूम ही नहीं कि आप क्या माल बेच रहे, कौन सा माल बेच रहे, आपका प्रेजेंस जो है वो मार्केट में दिखना चाहिए। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा, तो आपका प्रेजेंस मार्केट में है। और ऐसा प्रेजेंस कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो आपका ही नाम आना चाहिए, आपका ही ब्रांड नेम आना चाहिए। ठंडा मतलब कोका कोला, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, या मिनरल वाटर मतलब बिस्लेरी, ये जैसे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है वैसा ही आपका नाम पहले आना चाहिए, और वो मार्केटिंग से होगा, लोगों के दिमाग में आपका नाम बैठेगा। 6वां जो है वो है आपको टीम वर्क। आप बोलेंगे मैं अकेला अकेला करता हूं तो बिल्कुल होगा नहीं, अकेला आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अकेला नारायण मूर्ति इंफोसिस खड़ा नहीं कर सकता, अकेला मोदी इंडिया को नहीं चला सकता, टीम वर्क है। तो टीम वर्क जब रहती है तो
तो टीम आपको लेके चलना पड़ता है, और टीम जब साथ में होती है और कंधे को कंधा मिला के जब टीम काम करती है तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो उनको ऐसा लगना चाहिए वो टीम को कि ये मेरा धंधा है, ये मेरा बिजनेस है, मुझे वो आगे लेके जाने का है। तो ऐसा टीम वर्क तो वह आप करते हैं। तो और सातवां और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अति महत्व का वो है कि आप जो कर रहे हैं वो उसका लोगों के जीवन में क्या फर्क पड़ने वाला है, लोगों की नीड क्या है, लोगों का कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, लोगों की वांट क्या है, और वो लोगों की वांट आप पूरे कर रहे क्या। लोगों की वांट आप पूरी कर रहे होंगे तो ही धंधा आपका चलेगा। तो आपको ये देखना है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों के जीवन में हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे क्या, लोगों के जीवन में हम योगदान दे रहे क्या, मेरे प्रोडक्ट से मेरा मेरे पास जो माल है, मेरी जो सर्विसेज है, उससे उनके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे, उनके जीवन में कैसा फर्क पड़ेगा, उनको क्या फायदा होगा। तो जब आपके पीछे दिमाग के पीछे कॉन्ट्रीब्यूशन का एक संदर्भ है तभी आपका धंधा बहुत आगे जाएगा। और वो हरदम रहना चाहिए कि भाई मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ लोगों को, और लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करके लोगों को, लोगों के जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, उनको आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ने के लिए मैं मदद कर रहा हूँ, और वो मेरा प्रोडक्ट है, वो मेरी सर्विसेज है। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे सात के सात टिप्स, नव एक पहला जो है वो है नवनिर्माण, दूसरा है गोल सेटिंग, तीसरा जो है वो हार्ड वर्क, चौथा है पेशेंस धीरज, पांचवा है मार्केटिंग, छठवा है टीम वर्क, और सातवा है कंट्रीब्यूशन। यदि आप ये सात टिप्स जो मैंने भी बताया, सुझाव बताया, उसका पालन करते हैं, वो अपनाते हैं, डेफिनेटली आपका बिजनेस जो है वो एक अलग लेवल पे चले जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी बिजनेसमैन को ये शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।